मक्का मदीना के बाद तो अजमेर शरीफ की बहुत मान्यता है, बहुत लोग यहाँ आते हैं। भीड़ देखिए, इसको पार करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है और आज मैं हूँ अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अजमेर में और जा रहा हूँ अजमेर शरीफ दरगाह। मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और खुशनुमा पल होने वाला है क्योंकि आज है जुम्मा और मैं आज जा रहा हूँ दरगाह पे और बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। लास्ट तक इस ब्लॉग को जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह। तो दोस्तों, मजार शरीफ पर जाने के लिए यानी अजमेर दरगाह पर जाने के लिए दो पहाड़ होते हैं। पहला पहाड़ जो है ये रास्ता है, जिसने ये रास्ता क्रॉस कर लिया ना, समझ लीजिए आधी मंजिल पूरी हो गई। क्योंकि आज फ्राइडे है और काफ़ी यहाँ पर जो है भीड़ होती है, आप खुद देख लीजिए कितनी भीड़ है। जब जुम्मे की नमाज़ थी तो बहुत भीड़ थी इस रास्ते पर और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। एक्चुअली मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ और स्पेशल दिन जो है जुम्मे का है, नसीब वाले हैं। खैर, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो आ सकते हैं, जो लोग आने का मन है बट किसी कारणवश नहीं आए हैं उनके लिए इंशाल्लाह दुआएं मैं कर लूँगा। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का और ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे जो वर्ग के लोग हैं ना, सब आते हैं यहाँ पर। इसकी इनकी जो है इतनी मान्यता है, बहुत मान्यता है, यानी मक्का मदीना के बाद इस्लामिक अगर पैटर्न से देखा जाए तो अजमेर शरीफ की बहुत मान्यता है, बहुत लोग यहाँ आते हैं। और आपको पता होगा जो मुग़ल अकबर थे, जब उनकी संतान नहीं हो रही थी तो वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने मन्नत की थी। जब उनकी संतान हुई थी तो उसके बाद वो दोबारा यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे और 16 दिन लगे थे उन्हें पैदल चलने में, उनकी यात्रा 16 दिन की रही थी, पैदल चलकर आए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत अच्छा फील होगा जब मैं आपको अंदर लेकर जाऊँगा। तो ये देखिए, ट्रैफिक देखिए, भीड़ देखिए, इसको पार करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। अगर आप यहाँ कुछ सामान वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और बहुत ही अंदर अच्छा नज़ारा है। जस्ट सामने जो है वहाँ पर जो है दरगाह शरीफ है, शायद उसके अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं होगा। अक्सर बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता, तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको मोबाइल से दिखा दूँ। और इसी के पीछे जो है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा, उसे भी आप देखना। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है, अजमेर शरीफ है। आई एम सो लकी यार, मैं तो क्योंकि मानिए मैं इमोशनल हो गया था क्योंकि मुझे बाद में पता चला जब मैं आ गया था, मतलब आज तो फ्राइडे है, तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, लगभग आधी मंजिल हमारी पूरी हो चुकी है और जस्ट मेरे सामने यहाँ है दरगाह शरीफ का मेन गेट। और आप देखिए भीड़, और यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। और अगर आप रूम वगैरह लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं, बट यहाँ कॉस्टली होते हैं, इसलिए मैंने रूम जो है अपना रेलवे स्टेशन के पास लिया है। ये देखिए, काफ़ी भीड़ होती है, फ्राइडे है स्पेशली। तो जस्ट सामने जो है वो आ चुका है दरगाह शरीफ का मेन गेट। तो आप सामने देख लीजिए, ये गेट है दरगाह शरीफ का और इसी के बराबर में जो गेट है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो देखते हैं वहाँ पर कैमरा अलाउ है या नहीं। मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ।
और दरगाह पे हाजी अली दरगाह भी वही यही था और कलियर में भी यही था और सेम यहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हो, ये है अंदर से दरगाह जो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और आज जो भीड़ है ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। ये देखिए, ये आप अंदर का नज़ारा देख सकते हो, जो बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा है अंदर का। ये देखिए, ये देख लीजिए, और जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा सामने का नज़ारा। यहाँ आप देख सकते हो, तो फाइनली दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं और मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ नहीं देखी, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, बहुत भीड़ थी। शाम के 7 बज चुके हैं, यानी मगरिब की अजान हो गई थी और नमाज हमने अंदर ही पढ़ी थी। आप ये भीड़ देखिए, ओहो, पूरे रास्ते में कितनी भीड़ है, बहुत ही भीड़ है। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, सॉरी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मोबाइल से वीडियो शूट की, क्वालिटी वो नहीं मिल पाई होगी। बट आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, बचपन से ही तमन्ना थी यहाँ आने की। खैर फाइनली जुम्मे के दिन मेरा अल्लाह ने कबूल की और मैं यहाँ आया। ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो इस ब्लॉग को आप जो है शेयर कर सकते हैं, अरबाज ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे हम कंटेंट डालते रहेंगे और चैनल के साथ जुड़े जरूरी है। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।